हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यू HTML के टैग ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे न्यू एलिमेंट्स थे, सिमेंटिक एलिमेंट तो किसको कहते थे सिमेंटिक, उसके अंदर हमने एक फिगर टैग देखा था, फिगर कैप्शन देखा था, दूसरे कई सारे हमने सेक्शन आर्टिकल जैसे एलिमेंट देखे थे, तो वो देखे थे। तो अब हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑडियो और वीडियो के बारे में, मतलब कि हम हमारे कोई भी वेब एप्लीकेशन है या हमारे वेब पेज है उसके अंदर हम ऑडियो और वीडियो सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह के सेट, किस तरह के टैग HTML5 के अंदर काम करते हैं, ऑडियो और वीडियो HTML5 के अंदर कैसे वर्कआउट करते हैं, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा ऑडियो एंड वीडियो का, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML5 के अंदर ऑडियो एंड वीडियो काम कैसे करते हैं, मतलब कि आपको अपने वेब पेजेस या आपके वेब वेबसाइट के अंदर आपको कोई वीडियो दिखाना है, आपको अपनी वेबसाइट डायनेमिकली आपको कुछ अट्रैक्टिव बनानी है, तो उसके जरिए आप वहाँ पे वीडियो भी रख सकते हो, उसके साथ साथ आप कुछ ऑडियो भी रख सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट एकदम रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक लगे, सामने वाले देखने वाले को अट्रैक्टिव। तो ऐसे आपको बनाए तो वहाँ पे आपको ऑडियो टैग और वीडियो की जरूरत है। बट ऑडियो टैग और वीडियो टैग को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे हम उसको लगा सकते हैं, क्या क्या चीज हमें HTML5 की जरूरत पड़ती है, और HTML5 में ऐसा क्या है ऑडियो वीडियो टैग में जो HTML4 के अंदर नहीं था, या कौन कौन सी चीज न्यू आई है, कौन कौन सी चीज हमने ऐड करनी होगी वो हम अपने देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया गया HTML5 ऑडियो और वीडियो का जो इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं HTML फिगर। HTML features include a native audio and video support without the need for flash. मतलब कि जो HTML के अंदर HTML5 के अंदर जो न्यू फीचर है वो फीचर एकदम क्या है कि सिंपल फीचर है। पहले क्या था कि जब आपको कोई HTML4 के अंदर या उसका कोई छोटा वर्जन था तो उसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करना होता है, आपको ऑडियो वीडियो ऐड करना होता है, तो वहां पे आपको फ्लैश की जरूरत रहती थी, उसका जो ऑडियो वीडियो का जो नेटिव स्पेस था उसकी जरूरत है। बट अभी जो HTML5 है उसके अंदर आप डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, उसमें कोई भी अलग से फ्लैश की जरूरत नहीं, उसकी नीड नहीं है। तो विदाउट फ्लैश आप ऑलरेडी नेटिव ऑडियो और वीडियो आप कर सकते हो, मतलब कि HTML5 है वो जो नेटिव ऑडियो और वीडियो का सपोर्ट है विदाउट फ्लैश के बिना ही वो अपने आप सपोर्ट कर ले। तो ये यहाँ पे आप देखने जाओ तो एक अच्छी बात होगी कि आपको जो फ्लैश की जरूरत रहती है, उसका सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो वो यहाँ पे आप देंगे नहीं तो भी चलेगा, मतलब कि आप उसके बिना ही आप अपना वीडियो और ऑडियो करवा सकते हो। तो ये हो गया, एक हमारा एक क्या बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई कि हम कोई भी एक फ्लैश सपोर्ट के बिना ही हमें ऑडियो और वीडियो टेक को यूज कर सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो टैग मेक इट सिंपल, मतलब कि इन HTML5 के अंदर ऑडियो और वीडियो टैग बड़े ही सिंपल हो गए। उसके अंदर कैसे कैसे करते हैं, तो एड मीडिया, मतलब कि आपको किसी भी तरह का मीडिया, ऑडियो हो या वीडियो हो, किसी भी तरह आपको मीडिया आपकी वेबसाइट के अंदर एड करना है तो सिंपल तरीके से आप HTML5 का यूज करके या उसके अंदर आप ऑडियो और वीडियो टैग का यूज करके सिंपल तरीके से आप कोई भी मीडिया ऐड कर सकते हो। लाइक आपको कोई वीडियो ऐड करना है, उसके साथ साथ कोई ऑडियो भी ऐड करना है, तो वहां पे आप डायरेक्टली ऑडियो और वीडियो टैग का यूज करके भी HTML5 के जरिए से आप अपनी वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। यू नीड टू सेट SRC एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई मीडिया सोर्स, मतलब कि आपको वहां पे क्या जरूरत रहेगी, आप जब अपनी वेबसाइट पे या किसी भी ब्लॉग अपना कोई ऑडियो या वीडियो रखते हो तो वहां पे आपको जो उसका एट्रीब्यूट है या उसका जो भी मीडिया का जो भी सोर्स है उसको आप SRC एट्रीब्यूट के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए रखना पड़ेगा। एंड इंक्लूड अ कंट्रोल एट्रीब्यूट सो द यूजर कैन प्ले फुल सेंड मीडिया, मतलब कि आप जो अपनी वेबसाइट के अंदर या अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोई मीडिया रखते हो, मतलब कि जो कोई वीडियो या ऑडियो रखते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि उसको कोई भी आइडेंटिफाई, उसका सोर्स कहाँ से हमने लिया गया है उसका सोर्स भी आप रख सकते हो, उसके साथ साथ
HTML5 के अंदर आप एक उसका मीडिया कंट्रोलर है, वो भी आप डायनामिकली सेट कर सकते हो। तो मीडिया कंट्रोलर मतलब क्या हो गया कि आपको या कोई भी यूजर है जो वीडियो देखता है आपकी वेबसाइट पर, तो उसको प्ले करना हो, पुश करना हो, या उसको कोई आगे जाके कट करना हो, तो वो सब आप डायरेक्टली मीडिया कंट्रोलर टैग के जरिए या HTML के ऑडियो और वीडियो टैग के जरिए आप मीडिया कंट्रोलर एट्रीब्यूट सेट करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी कि आपको HTML5 के अंदर डायरेक्टली आप कंट्रोल मतलब कि आपका जो मीडिया कंट्रोलर है वो सेट करवा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर, मतलब प्ले पुश वगैरह जो भी कोई वीडियो और ऑडियो मतलब कि मीडिया से रिलेटेड जो भी कोई कंट्रोलर होते हैं वो आप डायरेक्टली HTML5 के अंदर रख सकते हो, जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन देखा कि HTML5 के अंदर हम ऑडियो और वीडियो टेक का कैसे यूज कर सकते हैं, उसको क्या क्या हमें जरूरत रहेगी, क्या क्या जरूरत नहीं रहेगी जो HTML4 के अंदर। यहाँ पे आपको नोट दी गई कि ओनली MP3 वेव एंड OG ऑडियो आर सपोर्टेड बाय द न्यूएस्ट HTML5 स्टैंडर्ड। मतलब कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी कोई ऑडियो या मीडिया कुछ भी रखना है या वीडियो रखना है तो वो आप किस किस फॉर्मेट में रख सकते हो, MP3 फॉर्मेट में रख सकते हो, वेव फॉर्मेट में, और ये तीन फॉर्मेट का ही ऑडियो है वो सपोर्ट करेगा HTML5। ये खास आपको ध्यान में रखनी होगी बात। ये आप गोल्डन MP की तरह भी ले सकते हो कि कौन कौन से जो मीडिया है, कौन कौन से ऑडियो का फॉर्मेट है वो HTML5 सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको तीन जो दिए गए हैं, तो पहला है MP3 ऑडियो होता है, वेव और OG। तो ये तीन टाइप्स के जो वीडियोस या ऑडियोस होते हैं वो ही HTML5 सपोर्ट करता है। मतलब कि HTML4 था वो सब कुछ, कोई भी आप ऑडियो का फॉर्मेट रख दीजिए वो सपोर्ट करता था, बट अब जो HTML5 है वो सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप देखने जाओ तो कई ब्राउजर, हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से ब्राउजर कौन कौन से टाइप के मीडिया यूज करते हैं, तो आप कोई अलग ही टाइप का रख दे तो जो MP3 वेव और OG में से है ही नहीं, तो एक अलग ही टाइप का आप रख दे तो कोई भी ब्राउजर वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने आगे भी देखा था कि ब्राउजर के वाइज क्राइटेरिया होते हैं कि आप HTML5 के अंदर फॉर्म के अंदर जो आप रन करवा रहे हो अपना एप्लीकेशन, तो उसके अंदर आप वेव MP3 OG वो सब आप करवा सकते हैं। तो ओपेरा के अंदर करवाते हो तो OG और वेव टाइप से आप ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे MP3 नहीं कर सकते। तो वैसे कई सारे ब्राउजर के अंदर हम कौन कौन से मेन जो यहाँ पे आपको तीन दिए गए हैं MP3 वेव और OG वो ही सपोर्टेड है। मोस्टली ब्राउजर के अंदर ये तीन ही ऑडियो सपोर्टेड है, वहां पे आप और कोई रख नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये फीचर्स ही हटा दिया गया है कि आप दूसरा कोई रख सकते हो ऑडियो टाइप। यहाँ पे HTML5 के अंदर ये तीन टाइप्स ही है, MP3 वेव और OG वो ही आप रख सकते हो। तो ये बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो HTML4 के अंदर हम कोई भी टैग का जो ऑडियो रख सकते थे वो अब हम HTML5 के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक न्यू टिप देखी कि कौन कौन से हमें ऑडियो रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि हमें जो HTML5 है उसका जो मीडिया है या ऑडियो है उसको हम कोई भी फ्लैश के बिना ही डायरेक्टली सपोर्ट करता है। HTML5 कोई नेटिव ऑडियो और वीडियो है तो उसके फ्लैश की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद देखा कि जो ऑडियो और वीडियो है वो बहुत सिंपल हो गया HTML5 के अंदर, आपको डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर सकता है। उसके अंदर आप जो भी मीडिया का सोर्स है वो कहाँ से वो आपको दिखाने के लिए ऐसा एट्रीब्यूट भी रख सकते हो, उसके साथ साथ आपके जो वीडियो है या मीडिया है उसको प्ले पुश करने के लिए या उसको कट करने के लिए आप अपना मीडिया कंट्रोलर भी लगा सकते हो उस HTML5 के अंदर। तो ये हो गया HTML5 का इंट्रोडक्शन की मतलब कि HTML5 के अंदर ऑडियो और वीडियो कैसे कैसे टाइप्स के रख सकते हैं। यहाँ पे हमने नोट भी दी गई, तो ये खास आपको ध्यान में रखना होगा। ये गोल्डन MP की तरह ये इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो या आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम आगे हम डीप में देखने वाले हैं कि HTML5 ऑडियो कैसे काम करता है। जो HTML5 है उसके अंदर ऑडियो एलिमेंट है वो हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमें जरूरत रहेगी, कैसे कैसे हम उसको सपोर्ट करवा सकते हैं, वो सब हमें देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML5 के अंदर ऑडियो एलिमेंट। तो HTML5 ऑडियो एलिमेंट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वे टू एम्बेडेड ऑडियो इन HTML5। मतलब कि आपको जो ऑडियो है HTML5 के अंदर जो ऑडियो एलिमेंट है वो एक स्टैंडर्ड वैसे ही आप उसको वेब पेज के अंदर
ज्वाइन कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। मतलब कि आज तो क्या था कि HTML 4 के अंदर हम डायरेक्टली उसका यूज कर लेते, उसका कोई वे नहीं था, उसका कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था, बट यहाँ पे आपको चेंजेस हो गए। बट अब क्या है कि यहाँ पे आपको सब कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पे आपको HTML 5 के अंदर कोई भी आपकी वेब पेज है उसके अंदर आप HTML 5 से कोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल लगाना है तो एक स्टैंडर्ड वेब से ही लगाना पड़ेगा, तो ही वो सपोर्टेबल होगा, वरना वो सपोर्टेबल नहीं होगा। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी हमें ऑडियो टेक HTML 5 के अंदर लगाना है तो एक स्टैंडर्ड वेब से हम उसको एम्बेडेड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हम कैसे ऑडियो टेक का यूज करके हम HTML 5 या हमारे वेब पेज के अंदर हमारा ऑडियो लगा सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर आपको लिखना है कि आपको कोई ऑडियो एम्बेड करना है, तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, ऑडियो कंट्रोल टैग लेना पड़ेगा। सिंपल ऑडियो टैग से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल टैग लेना होगा। ऑडियो कंट्रोल टैग के अंदर ही आप सब कुछ ज्वाइंट करवा सकते हो, ऑडियो का मीडिया है या उसका जो भी कंट्रोलर है वो भी सब आप ज्वाइंट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल दिया गया, उसके अंदर यहाँ पे आपको दो टाइप्स के ऑडियो लिए गए। तो पहला एक सोर्स दिया गया है, सोर्स मीन्स का कि आप जो ऑडियो लगाने वाले हो वो ऑडियो किस सोर्स का है वो आपको सोर्स, मतलब कौन सा ऑडियो है, उसका टाइप्स कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है, वो सोर्स के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर SRC के अंदर दिया गया है audio.ogg, मतलब कि ये audio.ogg नाम की जो फाइल है वो यहाँ पे हमको दी गई, मतलब कि वो हम सेट करें। उसका टाइप भी आपको यहाँ पे उसके साथ साथ सोर्स के अंदर देना पड़ेगा, उसका टाइप है audio.ogg। तो यहाँ पे हम कैसे ऑडियो को हम ज्वाइंट कर सकते हैं, कैसे हम एम्बेड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑडियो कंट्रोलर लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सोर्स देना पड़ेगा। तो सोर्स टैग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, SRC करके आपको उसका सोर्स देना पड़ेगा कि आप कौन से ऑडियो को प्ले करवाना चाहते हो अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे दिया गया है आपका SRC के अंदर audio.ogg, मतलब की जो ओजी वेब फाइल है, ऑडियो नाम की ओजी वेब फाइल, तो वो हम ऑडियो देना चाहते हैं। उसके बाद उसका टाइप भी आपको दिया जाएगा, तो ये सोर्स टैग के अंदर ही आपको पहले SRC देना होगा, SRC की प्रॉपर्टी देनी होगी, मतलब उसका सोर्स देना होगा। उसके बाद वो SRC किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का है, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे टाइप के अंदर audio.ogg, मतलब कि वो किस फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे लिखना। उसके बाद दूसरी लाइन में भी यहाँ पे दूसरा एक सोर्स दिया गया है, दूसरा मीडिया सेट किया गया है, तो उसके अंदर है सोर्स के अंदर audio.mp3। तो यहाँ पे आपको MP3 फाइल्स का सेटअप दिया गया, पहले यहाँ पे दिया गया था OG फाइल, सेम मटेरियल आपको यहाँ पे MP3 का है, OG और दोनों सेम ही है, वन टाइप हो उसको सेम ही हम एम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद उसका टाइप जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही, तो वहां पे audio/OG का, यहाँ पे audio.mpg, मतलब कि आप जब MP3 जो ऑडियो लगा रहे हो या अपने वेब पेज के साथ एम्बेड कर रहे हो, तो वहां पे टाइप कौन सा आएगा, MPG, मतलब कि MP3 और OG के लिए ओजी। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कि आपको कोई ऑडियो इसके अंदर या आपको अपने वेब पेज इसके अंदर ऑडियो सपोर्ट करवाना है या उसको लगाना है, तो कैसे करेंगे कि ऑडियो कंट्रोल नाम का टैग लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सोर्स लिखेंगे, सोर्स के अंदर हम दो टाइप की प्रॉपर्टी देंगे, फ्रेंडली देंगे SRC के अंदर होगा कि हम कौन सा ऑडियो है वो लगाना चाहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर या कौन सा ऑडियो दिखाना चाहते हैं, तो वो एक होगा, वो किस टाइप का है तो उसका टाइप प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखा गया है कि audio.ogg, मतलब audio/ogg, ये ओजी टाइप की है, तो वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, जो दूसरी एक फाइल है audio.mp3, SRC मतलब सोर्स दिया गया, साथ ही में उसका क्या दिया गया है, टाइप दिया गया है कि ऑडियो का टाइप कौन सा है, तो जब MP3 टाइप होता है तो वहां पे क्या होता है, MPEG लिखना पड़ता है और ऑडियो को आप क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली ऑडियो सेटअप, मतलब कि आपको अपने वेब पेज के अंदर ऑडियो सेटअप करना है तो आप इस कोड को आप फॉलो करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनबिल्ट डिटेल दी गई है, द सोर्स टेक्स्ट इज यूज्ड टू स्पेसिफिक मल्टीपल मीडिया रिसोर्स फ्रॉम मीडिया एलिमेंट, मतलब कि सोर्स का मतलब क्या है, आपको मल्टीपल जो मीडिया आपको सेट करवाना है
अपने वेब पेजेस के अंदर, तो उसके लिए वहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सोर्स आप आगे एग्जांपल में देखा है वैसे ऑडियो टेप के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स दिया है या उससे ज्यादा भी देना चाहते हुए दिया सच एज वीडियो एंड ऑडियो। तो यहाँ पे जैसे भी हमने ऑडियो के अंदर सोर्स दिया है वैसे ही हमें वीडियो के अंदर भी सोर्स देना पड़ेगा, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पे आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो ऑडियो टैग के अंदर जो सोर्स होता है वो आप मल्टी टाइम्स दे सकते। द सोर्स टैग अलाउज टू यू स्पेसिफिक अल्टरनेटिव वीडियो ऑडियो फाइल विच द ब्राउजर मैनेज टू फ्रॉम बेस्ड ऑन द मीडिया टाइप ऑन ऑर्डर सपोर्ट। मतलब यहाँ पे आपको सोर्स क्यों मल्टी टाइम देना होता है, तो वहां पे हमने पहले भी देखा हुआ था आगे के लेक्चर में पता था कि जो ब्राउजर होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्या करते हैं मीडिया को सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि जो एग्जांपल के तरीके से हमने देखा था कि जो क्रोम होता था वो खाली MP3 फाइल सपोर्ट करता था, बट जो ओपेरा होता था वो MP3 फाइल सपोर्ट नहीं करता। तो वहां पे क्या हो जाता है कि यूजर को थोड़ी ना पता है कि उसको सिंपली इसको क्रोम में ही ओपन करना है या क्रोम ब्राउजर या ओपेरा में ही ओपन करना है, वो किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकता है। तो उस हिसाब से हम देखने जाए तो वहां पे हमें क्या देना पड़ेगा, मल्टी रिसोर्स देना पड़ेगा, मल्टी सोर्स देना पड़ेगा अलग अलग उसके एक्सटेंशन वाइज अलग अलग फॉर्मेट में। तो वहां पे जो भी ब्राउजर में ओपन करेगा तो चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको मल्टी टाइम सोर्स देना पड़ेगा। मतलब कि आप कोई एक ऑडियो लगाना चाहते हो तो उसके जो ओजी टाइप है, MPG टाइप है, वेव टाइप है, तीनों के अंदर आपको सोर्स देना पड़ेगा एक ही ऑडियो का। मतलब कि आप कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे तो भी वहां पे आपका ऑडियो होगा वो रन होगा, वरना क्या होगा कि आप किसी वन टाइप को देंगे तो बाकी के जो टाइप है वो सपोर्ट कर रहा होगा, तो वहां पे आपका जो भी ऑडियो है वो आउटपुट नहीं दिखेगा, वो प्ले नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी आप किसी वेब पेजिस के अंदर या वेब एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट के अंदर जब आप ऑडियो सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसके अंदर दिखाना चाहते हो तो वहां पे आपको ऑडियो की मल्टीपल क्या लेनी पड़ेगी, फॉर्मेट लेनी पड़ेगी और उसको डिफाइन भी करनी पड़ेगी। तो सिंपल ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपको इतना ही कह गया कि मेन आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब आप वेब पेज बना रहे हो उसके अंदर ऑडियो रख रहे हो तो वहां पे आपको मल्टी जो भी है, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स दिए गए थे कि पहला था MP3, ओजी और वेव, ये 3 टाइप्स, ये 3 सोर्स आपको देने होंगे एक ही ऑडियो के, तो ही कोई भी ब्राउजर में रन करेगा तो कम्प्लीटली सपोर्टेबल होगा। तो ये हो गया हमारा HTML5 ऑडियो। तो यहाँ पे हमने आपकी स्क्रीन में देखा कि कम्प्लीटली ऑडियो क्या है, HTML5 के अंदर हमने देखा कि ऑडियो है वो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं दे सकते, उसको एक कम्प्लीटली स्टैंडर्ड वे के थ्रू हम इसको एम्बेड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वे के थ्रू हम इसको एम्बेड कर सकते हैं। उसके अंदर हमने एग्जांपल भी देखा था कि एक ऑडियो कंट्रोल नाम का आपको क्या लेना पड़ेगा, टैग लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सोर्स लेना पड़ेगा, सोर्स आप मल्टीपल भी ले सकते हो, उसके अंदर आपको 2 प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, पहली थी SRC, उसके अंदर आपको कहाँ से आपका सोर्स आ रहा है, कौन सा आप ऑडियो है वो चलाना चाहते हो उसका सोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद उसका टाइप क्या है वो भी आपको दूसरी प्रॉपर्टी सोर्स एलिमेंट के अंदर ही आपको देनी पड़ेगी टाइप, मतलब कि ओजी है तो वहां पे आपको ऑडियो स्लैश ओजी लिखना पड़ेगा, या आपके पास MP3 है तो MP3 के लिए ऑडियो स्लैश MPEG लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्स ही देने पड़ेंगे क्योंकि कौन सा ब्राउजर में यूजर रन करवाता है, आपकी वेबसाइट ओपन करता है वो हमें पता नहीं, तो ब्राउजर सपोर्ट के लिए हमें मल्टीपल जो भी हमने 3 टैग्स देखे थे MP3, ओजी और वेब, तो ये मल्टीपल आपको इम्पोर्टेंट याद रखते हैं, ये 3 टैग के आपको सोर्स देने। तो ये हो गया हमारा HTML5 इन डिटेल में। अब आगे देखते हैं कि ऑडियो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ऑडियो के अंदर जो कंट्रोलर होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे, उसका एट्रीब्यूट तो वो हम डिटेल में देखने वाले। मतलब कि ऑडियो भी होता है उसका ज्यादातर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, मतलब कि आपको उसको प्ले करना है वो ऑटो प्ले हो जाता है या लूप में ही चलता रहता है, तो उसके मीडिया कंट्रोलर ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमें देखना है कि कौन कौन से मीडिया कंट्रोलर का यूज क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको उसका एट्रीब्यूट दिया गया है और इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो ये आपको एक गोल्डन एमपी की तरह याद रखना होगा कि हम ऑडियो जो है उसका एट्रीब्यूट हम कैसे
याद रखे या उसको कैसे यूज करें। तो उसके अंदर हम देखने जा रहे हैं तो उसका अंदर पहला है ऑडियो प्ले एट्रीब्यूट। तो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है तो वो क्या कहते हैं, मतलब कि डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाता है प्ले, जब भी आप वेब पेज ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो प्ले हो जाता है, उसके लिए आपको एक क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको प्ले करने की जरूरत नहीं। तो वो है एट्रीब्यूट ऑडियो ऑटो प्ले। तो ऑडियो विल ऑटोमेटिकली बिगिन टू प्ले बैक एज सून एज इट कैन डू सो विदाउट स्टॉपिंग टू फिनिश लोडिंग द डेटा। मतलब कि जब भी आप, मैंने कहा वैसे है कि जब भी आप अपना वेब पेज के अंदर आपने ऑटो प्ले मीडिया कंट्रोल लगाया या एट्रीब्यूट लगाया, तो जब भी आप अपनी वेबसाइट ओपन करोगे या अपना वेब पेज ओपन करोगे तो आपको उसको प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जैसे लोड होगा वैसे अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप डायरेक्टली उसको प्ले करवा सकते हो, तो वहां पे आप ऑटो प्ले करते हो। कई बार क्या हो रहा है कि हमारी जो कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं या किसी क्लाइंट की हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि उसको डायरेक्टली ऑटो ऑटो मोड के अंदर जैसे वेबसाइट ओपन हो वैसे ही ऑडियो ऑन हो जाना है। तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ऑडियो के लिए ऑटो प्ले यूज कर सकते हो, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसका यूज हो जाएगा ओपन में। उसके बाद दूसरा है ऑटो बफर, तो वो देखते हैं। जो ऑडियो विल ऑटोमेटिकली बिगिन बफरिंग इवन इफ इट नॉट सेट टू ऑटोमेटिकली प्ले। मतलब कि जब हम ऑटोमेटिकली प्ले होने के लिए, मतलब कि हमें जब ऑटो प्लेयर नहीं लगाया है एट्रीब्यूट, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सेट नहीं किया, वहां पे क्या हो जाता है कि आप जब वेबसाइट ओपन करते हो तो वो डायरेक्टली बफर कर देगा, मतलब कि आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। जब भी आपको उसको ऑटो प्ले नहीं करना है तब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बफरिंग करना चालू हो जाएगा। तो वहां पे जब भी आप ऑटो प्ले नहीं लगाते हो तभी तभी ये ऑटो बफरिंग का काम आएगा, मतलब कि आपको उसको ऑटो बफर करना होगा। तो ये हो गया ऑटो बफर। उसके बाद एक कंट्रोल, कंट्रोल्स क्या होते हैं कि हम उसको कैसे प्ले बैक करें, रिज्यूम करें, पुश करें, उसके अंदर हमें देखते हैं कि हमें चालू ही रखना है उसको, पुश रखना है, वो स्क्रॉल करे तो आगे का जो वीडियो था वो क्लोज होना हो जाना चाहिए। आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, तो वहां पे ऑटो प्ले लगा होता है, बट आप जैसे ही उसको स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पुश कैसे कर सकते हैं वो सब हमें देखते हैं, तो वो कंट्रोल्स के थ्रू होगा। तो कंट्रोल, if this attribute is present it will allow to user control auto playback including volume seeking and push resume playback। मतलब जो ये कंट्रोलर है वो क्या करता है कि यूजर को कंट्रोल देता है ऑडियो, मतलब कि जब भी यूजर को ऑडियो जो आपकी वेबसाइट पे दिखाया गया है वो प्ले करना है या उसको ऑटो प्ले करना है या उसको कभी कभार रिज्यूम करना है, उसको कोई प्लेबैक करना है या उसका वॉल्यूम आप उसको बढ़ाना है या घटाना है, उसके बाद आपको उसको कट करना, मतलब कि सीटिंग करना है, तो वो सब वो अपने आप ही कर सके, मतलब कि उसके कंट्रोलर के हिसाब से वो अपना सेट कर सके, उसको जैसे कंफर्टेबल है वैसे वो कंट्रोल कर सके अपना वॉल्यूम। तो उसके लिए वहां पे क्या यूज होता है, कंट्रोल्स का यूज होता है, कंट्रोल एट्रीब्यूट का। तो उसके जरिए वो अपने आप ही ऑटो प्ले करवा सकता है, रिपीट करवा सकता है, उसका जो वॉल्यूम है उसको चेंजेस कर सकता है, उसके बाद वो सेटिंग कर सकता है, रीप्ले कर सकता है, ऑटो बैक कर सकता है, तो वो सब अपने आप ही कर सकता है। तो उसके लिए उसको कंट्रोल देना पड़ेगा। आपने कई वेबसाइट में देखा होगा, वन टाइम आप ले लीजिए कि यूट्यूब के अंदर जो भी कोई आप वीडियो सुनते हो तो उसके अंदर आपको सारे कंट्रोलर दिए गए, तो वैसे कि यहाँ पे भी ऑडियो के लिए भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऑडियो लगाना है या उसका जो भी कंट्रोल आप यूजर को देना चाहते हैं तो वो आप कंट्रोल एट्रीब्यूट के जरिए दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि यूजर अपने आप से कस्टमाइज कर सकता है सब कुछ, इसलिए यूजर को क्या होता है, एक अट्रैक्टिव होता है अपनी वेबसाइट की तरफ या वेब पेजेस के अंदर जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप कंट्रोल के जरिए क्या क्या करवा सकते हो, ये आपको खास ध्यान में रखना होगा। एक गोल्डन आईपी की तरह भी ले सकते हो कि कंट्रोल्स के अंदर, कंट्रोल एट्रीब्यूट के अंदर या ऑडियो कंट्रोल एट्रीब्यूट के अंदर कौन कौन से हम काम करवा सकते हैं या कौन कौन से वर्क करवा सकते हैं, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना होगा कि हम
प्लेबैक करवा सकते हैं, उसके बाद हम वीडियो का ऑडियो का जो भी वॉल्यूम है वो हम चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद हम सीकिंग करवा सकते हैं, क्लूज करवा सकते हैं और रिज्यूम भी करवा सकते हैं, ऑडियो को प्लेबैक भी करवा सकते हैं। तो वो हमें करना है तो वहां पे आपको कंट्रोल्स याद रखना होगा। तो ये हो गया कंट्रोल एट्रीजन। उसके बाद है लूप एट्रीजन। लूप का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप सिंपल लूप का रियल लाइफ यूज कर दो, चलता ही रहता है, रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, तो वैसे ही है यहाँ लूप का मीनिंग, वैसा ही यहाँ पे, वहां पे सिंपल को रिपीट, बट यहाँ पे आप ऑडियो रिपीट करवाना चाहते हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, लूप एट्रीब्यूट का। देखते हैं इसको भी हम डिप्ले। This will allow audio automatically seek back to the start after reaching at the load। मतलब कि जब भी ऑडियो आप लूप के बाद या जब भी ऑडियो आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद वो सबसे पहले फिर क्या आ जाएगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आ जाएगा, वहां से ही अपने आप प्लेबैक करना चालू कर देगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, तो रिपीट एंड रिपीट हो जाता है, मतलब कि एक बार आपका कम्प्लीट हो गया तो दूसरी बार ऑटोमेटिकली आपको चालू करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाएगा। तो वहां पे आप ऐसा करवाना चाहते हो कि आपका ऑडियो है वो रिपीट एंड रिपीट करवाना चाहते हो कई बार आपके वेबपेजेस के अंदर, एटी ऑडियो रिपीट एंड रिपीट करवाना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, लूप एट्रीब्यूट का यूज कर, मतलब कि लूप का यूज करके आप जब भी वीडियो खत्म हो तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वैसा कर सकते हो। तो ये हो गया लूप। उसके बाद है प्री लोड। ये एक बहुत मोस्ट टाइम पे टॉपिक तरीके की तरह आप ले सकते हो प्री लोड को, मतलब कि प्री लोड का यूज क्या होता है, आप क्या यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिप में देखते हैं, तो एट्रीब्यूट स्पेसिफिक दैट द ऑडियो विल लोडेड एट द पेज लोड एंड रेडी टू रन इग्नोर इफ यू प्ले इज प्रेजेंट। मतलब कि आप जब भी अपना वेब पेज लोड करवा रहे हो तो अपने आप ही पहले क्या हो जाता है, आप ऑडियो लोड करवा सकते हो या अपने आप ही ऑडियो सबसे पहले लोड। तो जिसकी मदद से क्या हो रहा है कि करीब मेनी टाइम्स आपने देखा होगा कि आप जब क्लिक करते हो वेब पेजेस के अंदर तो उसके बाद वो क्या करता है, तो मेनी सेकंड या थोड़ी सेकंड के लिए वो क्या करता है, अपने आप के लोड ले लेता है, मतलब कि वो कम्प्लीटली जो मीडिया है वो, मतलब कि आपका जो भी ऑडियो है सबसे पहले क्या है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो जाता, सबसे पहले लोड देता है 2-3 सेकंड, उसके बाद वो प्ले आता है। बट आपको उसको पहले से ही लोड करवा के रखे, मतलब कि आप जब उसको क्लिक करें तो वो डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, वो लोड नहीं लेना चाहिए। तो वहां वैसे हमको करना है या वैसा कोई भी एट्रीब्यूट सेट करना है तो वहां पे हम प्री लोड यूज कर सकते हैं। प्री लोड का मतलब क्या है कि सिंपल आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले वेबसाइट जैसे लोड होती है उसके साथ ही अपने आप ही ऑडियो भी लोड हो जाती है। जैसे ही आप प्ले के बटन पर क्लिक करते हो तो अपने आप ही चलने लगता है, उसमें कोई लोड होता नहीं, क्योंकि पहले से ही वो क्या हो जाता है कि अपना जो भी डेटा उसको फेच करना है वो पहले से ही कर लेता है, प्री लोड कर लेता है, तो वो दूसरी कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्टली प्ले हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि आपको यूजर को कोई वेट नहीं करवाना है, उसको डायरेक्टली आप आउटपुट दिखा सकते हो ऑडियो के थ्रू। मतलब कि क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई भी ऑडियो होता है वो सर्वर इश्यू के लिए, कुछ भी इश्यू के लिए वो यूजर को कैन भटकाता है, मतलब कि यूजर जब प्ले करता है तो वो अभी प्ले नहीं है, वो देर लगती है, तो वहां पे यूजर क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, वो आगे चला जाता है। तो उसके बजाय आप वहां पे प्री लोड का यूज करके जब भी वेबसाइट लोड हो उसके साथ साथ ही आप ऑडियो भी लोड करवा सकते हो, जैसे यूजर क्लिक करे तो उसको डायरेक्टली ऑडियो को सुनने को मिले और उसका डायरेक्टली आउट। तो ये हो गया प्री लोड। तो प्री लोड का मतलब आपको खास याद रखना है। तो ये हमारा हो गया ऑडियो एट्रीब्यूट। तो आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है कि ऑडियो एट्रीब्यूट में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। पहला है ऑटो प्ले, मतलब कि आपको वीडियो ऑटो प्ले, मतलब जब आप वेबसाइट ओपन करें तब अपने आप ही प्ले हो जाना चाहिए, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो प्ले यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो बफर, आपको वीडियो को पहले से ही बफर करवाना है, ऑटोमेटिकली बफर करवाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑटो बफर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, मतलब कि आपको यूजर को उसका वॉल्यूम बढ़ाना है या उसको रिपीट करवाना है या ऑटो प्ले जैसा कोई भी आप कंट्रोलर है यूजर को ही प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लोग, मतलब कि आप अपना ऑडियो
रिपीट एंड रिपीट चलाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लूप का यूज सकते हो, मतलब कि एक बार जब भी ऑडियो खत्म होगा तो अपने आप ही स्टार्ट फिर से हो जाएगा वही, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ऑडियो के लिए लूप यूज कर सकते हो। उसके बाद है प्री लोड। प्री लोड मतलब कि हमने देखा वैसा ही है कि प्री लोड का मतलब आगे से ही हमें ऑडियो लोड करवा के रखना है, मतलब कि जब यूजर वीडियो या ऑडियो पर क्लिक करे तो वह पहले से ही लोड होके उसके बाद अपने आप ही वो आउटपुट देखना चाहिए, मतलब कि अपने आप ही प्ले होना चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए उसको, पहले से ही हम प्री लोड करके रखेंगे, तो इसलिए वहां पे क्या यूज होता है, तो प्री लोड। तो ये हो गया हमारा ऑडियो एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमारा ऑडियो एट्रीब्यूट कम्प्लीट होता है। तो आज हमने देखा जिसमें ऑडियो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या देखा कि हम ऑडियो को कैसे, पहले हमने देखा कि ऑडियो HTML फाइल के अंदर कैसे लगा सकते हैं, उसमें कौन कौन से टैग अवेलेबल है, सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स हम कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऑडियो के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या हम यूज करवा सकते हैं, तो वो सब हमने देखा। आगे हम देखेंगे HTML फाइल वीडियो टैग, मतलब कि वीडियो एलिमेंट कैसे हम कर सकते। हमने ऑडियो के अंदर तो कम्प्लीटली डिटेल में देखा कि ऑडियो हम कैसे कैसे करके कम्प्लीटली ले सकते हैं, या ऑडियो को हमें जो भी स्टैंडर्ड हुए हैं वो भी देखा कौन कौन से एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं। बट अब हमें देखना है कि जो HTML फाइल के अंदर वीडियो है वो हम कैसे लगा सकते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर और एड्रेस के अंदर। जो ये वीडियो है ना वो एक अलग ही अट्रैक्टिव क्रिएट करता है, मतलब कि जो भी आपका वेबसाइट या आपके वेबसाइट का जो भी एनवायरमेंट हो उसको आप अलग ही तरीके से बताना चाहते हो तो वहां पे आप वीडियो का यूज, मतलब कि वीडियो के जरिए आप अपने यूजर को अट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ पे जो वीडियो टैग होता है बहुत बड़ा काम की जरूरत है, मतलब कि आपको अपनी जो भी वेबसाइट है या वेब पेज है उसको अट्रैक्टिव बनाने हैं तो वो आप वीडियो के जरिए बोलते हो, क्योंकि आप उसके होम पेज में ही कुछ वीडियो के आप उसको एक ज्यादातर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो जो अपनी वेबसाइट को अंदर डिटेल के अंदर देते। तो इसके लिए हम यूज करेंगे HTML फाइल के अंदर वीडियो। अब हम देखेंगे कि HTML फाइल के अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं ऑडियो तो टेक को हमने देखा, बट वीडियो टेक का कैसे यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शो अ वीडियो इन HTML यूज द वीडियो एलिमेंट। सिंपल, हमें HTML के अंदर जब भी कोई वीडियो देखना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, HTML वीडियो टैग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट वीडियो टैग से HTML के अंदर वीडियो देते हैं, मतलब कि हमें हमारी वेबसाइट के अंदर या हमारी वेब पेज के अंदर वीडियो देखना है तो वहां पे हम वीडियो टैग के थ्रू उसको दिखा सकते हैं या उसको रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि वीडियो टैग हम कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे हाइट विड्थ देनी है, कैसे कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं एक प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए, तो आप एग्जाम्पल के अंदर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, वीडियो टैग दिया। तो वीडियो टैग के अंदर आपको सबसे पहले क्या देनी होगी कि आपको वीडियो देखना चाहते हो या वीडियो लगाना चाहते हो कितने हाइट और विड्थ के अंदर, वो आपको देनी पड़ेगी, मतलब कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपको किस कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, कितनी हाइट और विड्थ के अंदर, मतलब कि कितनी साइज के अंदर आपको अपने वीडियो दिखाना है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप उसको हाइट और विड्थ भी दे सकते हो। तो हाइट और विड्थ के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो टैग के अंदर ही हम विड्थ करके एक प्रॉपर्टी होगी, जो विड्थ करके मतलब कि विड्थ हम उसके दे सकते हैं। तो यहाँ पे दी गई है 320, उसके बाद हाइट होती है तो 240 हाइट। तो ये यहाँ पे हाइट और विड्थ दी गई हुई है, मतलब कि आपके वेब पेज जिसके अंदर जो यहाँ पे साइज दिखाई गई उस साइज के अंदर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहले क्या देनी होगी, आपने हाइट और विड्थ, मतलब कि आप कितने हाइट और विड्थ में आपको वीडियो देखना है। उसके बाद HTML के वीडियो टैग वीडियो कंट्रोल टैग के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा सोर्स के। जैसे ही हम ऑडियो टैग के अंदर सोर्स देते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको कम्प्लीटली सेम टाइप का सोर्स देना पड़ेगा, मतलब कि सिंपल आपको यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वहां पे हम ओनली फॉर ऑडियो का रेफरेंस देते थे, ऑडियो का सोर्स देते थे, यहाँ पे आपको वीडियो का सोर्स देना, मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी हमने प्रॉपर्टी ऑडियो में यूज की थी वैसे ही हमें यहाँ पे यूज करनी है वीडियो का। तो
यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला है जो सोर्स सोर्स टेक के अंदर पहली प्रॉपर्टी जी भी एसआरसी है। एसआरसी का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स, मतलब कि आप जो वीडियो दिखाना चाहते हो वो कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी एसआरसी के अंदर मूवी डॉट एमपी फोर। तो यहाँ मूवी डॉट एमपी फोर जो भी कोई वीडियो होगा वो वहां पे लग जाएगा और उसका टाइप भी देना पड़ेगा, मतलब कि वो वीडियो किस टाइप का है, जैसे कि हम ऑडियो के अंदर देते हैं तो वैसे यहाँ पे भी आपको टाइप देना पड़ेगा कि जो ऑडियो है, मतलब कि जो वीडियो है वो किस टाइप का है। यहाँ पे हमने शॉर्ट तो दे दिया बट हमें उसको क्या देना है, टाइप देना है। तो टाइप के अंदर हम देंगे वीडियो स्लैश एमपी फोर, वहां पे ऑडियो स्लैश एमपी इजी रहते हैं, मतलब कि एमपी थ्री के लिए। यहाँ पे एमपी फोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो स्लैश एमपी फोर लिखना पड़ेगा। वैसे ही हम दूसरा सोर्स देते हैं मूवी डॉट ओजी, ओजी टाइप का कोई आप वीडियो लगा रहे हैं तो वहां पे क्या करना होगा, मूवी डॉट ओजी का आपको नाम देना होगा, उसके बाद उसका टाइप देना होगा। टाइप के अंदर आप वीडियो स्लैश ओजी आप कर सकते हो, तो वीडियो स्लैश ओजी के जरिए आप उसको टाइप बता सकते हो। तो सेम इट इज जैसे हम ऑडियो में करते हैं वैसे ही हमें वीडियो में करना है। थोड़ा सा चेंज दीजिए, ऑडियो में विड्थ और हाइट नहीं देते थे, यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट देते, क्योंकि जो ऑडियो है वो सुनने के लिए होता है, वो विजुलाइज के लिए नहीं होता है। बट यहाँ पे हम वीडियो क्या दिखाने वाले हैं तो उसके लिए उसको परफेक्ट हाइट और विड्थ में हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको हमने ऑडियो में बताया तो वैसे ही कि आप सोर्स को आप मल्टीपल टाइप कर लेना, क्योंकि जैसे ऑडियो में दिक्कत थी वैसे ही वीडियो के अंदर भी दिक्कत है कि हम जो ब्राउजर कौन सा यूजर यूज कर रहा है वो हमें नहीं, तो अलग अलग ब्राउजर या डिफरेंट ब्राउजर के जरिए से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप देने होंगे, तो उसके लिए हमारा सोर्स भी क्या होगा डिफरेंट, मतलब कि जो क्रोम में ओपन करेगा तो एमपी फोर चलेगा बट ओजी में, मतलब कि ओपेरा में ओपन करेगा तो ओजी ही चलेगा, वेवी चलेगा, एमपी फोर वहां पे अलाउड नहीं है। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना कि आपको मल्टीपल सोर्स को देने ही पड़ेगा। योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो, सपोर्ट वीडियो टेक, मतलब कि आपका ब्राउजर है वो वीडियो टेक नॉट सपोर्ट, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, आप मैंने बताया वैसे कि हम सिंगल सोर्स देते हैं तो वो क्या है कि वहां पे क्या होगा कि वो लिखा जाएगा कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो टेक, मतलब कि जो वीडियो सोर्स है या वीडियो टेक वो सामने वाला ब्राउजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने जो भी सोर्स का टैग दिया है वो उसके अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सिंपल याद रखना है कि आपको जो गिने चुने ही जो फॉर्मेट है उसका ही आपको सोर्स मल्टीपल सोर्स देना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि वीडियो हम कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे एम्बेड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। यहाँ पर हमने कोडिंग भी देखा, ये सेम कोडिंग आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर हाइट और विड्थ देके अपने आप ही करवा सकते। तो ये हो गया HTML फाइल के अंदर वीडियो। उसके अंदर हम सेम चीज देखेंगे कि जो भी वीडियो के एट्रीब्यूट है, जैसे हमने ऑडियो के एट्रीब्यूट देखेंगे वैसे ही हम अब देखने वाले हैं वीडियो के एट्रीब्यूट। तो वीडियो के एट्रीब्यूट क्या है, मतलब कि हमें वीडियो ऑटो प्ले करवाना है, म्यूट करवाना है, कंट्रोल करना है उसको, उसको रिलोड करवाना है, लोड करवाना है, लूप उसको करवाना है, तो वैसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, तो वो अब हमने फुल्ली डिस्क्रिप्शन के अंदर देखे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट दिया गया ऑटो प्ले, जैसे ऑडियो में था वैसा ही यहाँ पर भी है ऑटो, ऑटो प्ले का मतलब ऑडियो में था वैसा ही, वहां पे आप ऑटोमेटिकली क्या करवाते हैं, ऑडियो प्ले करवा रहे हो, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले करवा, मतलब कि आपने कभी गेमिंग वेबसाइट ओपन की होगी तो आपको पता होगा कि जब आप लोड करते हो या ओपन करते हो तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है वैसे ही क्या हो जाता है, कोई ना कोई वीडियो ओपन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो वहां पे क्या यूज होगा, होगा एट्रीब्यूट ऑटो प्ले, मतलब कि जो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है वहां पे यूज होगा। क्या आप उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, स्पेसिफिक डेट द ब्राउजर विल स्टार्ट प्लेइंग द वीडियो एज सून एज इट इज रेडी, मतलब कि जब से आप वेबसाइट ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली जब वीडियो लोड हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, ऑटो प्ले टैग का यूज होता है। मतलब कि मैंने कहा वैसे गेमिंग वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो वीडियो अपने आप ही चलने लगता है, जैसे भी आप उसका एरो वहां पे ले जाते हो तो अपने आप ही चलने लगता है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ऑटो। उसके बाद है म्यूट, म्यूट का मतलब आपको उसको म्यूट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को म्यूट करने के लिए म्यूट एट्रीब्यूट ले सकते हो, अलाउ टू म्यूट द वीडियो इनिशियली, मतलब कि किसी टाइम पर यूजर को वीडियो को जो है वीडियो का साउंड है उसको म्यूट करना है,
या वीडियो को म्यूट करना है तो वहां पे उसके लिए आप उसको अलग से एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, उसके लिए वो आता है एट्रीब्यूट म्यूट, उसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके यूजर है आपके वेब पेज के अंदर जो भी वीडियो चल रही है उसको म्यूट कर सकते हैं। तो म्यूट करने के लिए ये म्यूट टैग आपको जरूरी होगा, तो ये आपको एक गोल्डन एंट्री की तरह याद रखना है कि म्यूट करने के लिए क्या यूज, म्यूट एट्रीब्यूट। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल, तो जैसे हमने कंट्रोल ओजे में देखे थे वैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। अलसो डिस्प्लेइंग द कंट्रोल ऑफ द वीडियो, मतलब कि जो वीडियो के कंट्रोल होते हैं वो हमें वेब पेजेस के अंदर या वेबसाइट के अंदर दिखाने के लिए, मतलब कि आपने कई वेबसाइट के अंदर देखा हो, मान लीजिए कि यूट्यूब के अंदर आप कोई भी वीडियो ओपन कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या दिया गया है, प्ले का बटन दिया गया है, उसी होता है, उसके बाद उसको आगे का वीडियो के लिए या पीछे का वीडियो के लिए आपको जो भी कोई अलग से एक निशानी दी या टैग दिया गया होता है, आपको रीबैक करना है या रीप्ले करना है, रिपीट करना है, वो सब के लिए आपको जो भी कंट्रोल यूट्यूब के अंदर प्रोवाइड होते हैं, तो वैसे ही आपको कंट्रोल अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी वीडियो रखा है उसके अंदर आपको देने, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल का यूज कर सकते हो। कंट्रोल से हम डायरेक्टली कोई भी कंट्रोल्स दे सकते हैं यूजर को, जैसे कि यूजर अपने आप ही वीडियो को पूज कर सके, प्ले कर सके, रीवेयर कर सके, तो वो सब हम डायरेक्टली दे सकते कंट्रोल से। तो ये एक भी खास हो गया, जैसे हमने ऑडियो के अंदर देखा था गोल्डन एंट्री की तरह, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको गोल्डन एंट्री की तरह याद रखना है कि कंट्रोल्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, किस किस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद देखना है हमें लूप एलिमेंट, लूप एट्रीब्यूट और एलिमेंट, मतलब कि लूप का मतलब हमने रियल लाइफ में आगे देखा वैसे ही, तो हमको कोई भी चीज रिपीटेड रिपीट करवानी है तो उसके लिए क्या यूज होगा, लूप का यूज होगा। तो सेम इट इज, हमें कोई भी वीडियो रिपीटेड रिपीट करवाना है, मतलब कि एक बार खत्म हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, लूप यूज होगा। स्पेसिफिक दैट द ब्राउजर शुड रिपीट प्लेइंग द एग्जिस्टिंग वीडियो वंस, मतलब कि जब आपका एक बार वीडियो यूजर देख ले या कंप्लीट हो जाए तो अपने आप ही ऑटो प्ले होना चाहिए, मतलब कि दूसरी बार वो वीडियो प्ले होना चाहिए अपने आप ही, तो वहां पे क्या यूज होगा, वो करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लूप का यूज कर सकते हो। तो लूप ये आपको खास ध्यान रखते हैं कि जो भी हम वीडियो है या ऑडियो है उसको डायरेक्टली हम एक बार खत्म होने के बाद हम ऑटोमेटिकली ओपन करवाना चाहते हैं, दूसरी बार उसको करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली करना है, तो उसके लिए वहां पे लूप का यूज करना पड़ेगा, लूप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया लूप। उसके बाद है प्रीलोड, प्रीलोड मतलब कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो और आप वीडियो पर क्लिक करते हो तो आपने मेनी टाइम्स क्या देखा होगा कि पहले क्या होता है, वीडियो कंप्लीटली लोड हो जाता है, लोड मतलब कि जो कुछ सेकंड टाइम लेता है, जो अपने आप ही जो सर्वर से डेटा आता है या उसका कुछ वीडियो है वो ऑन करने के लिए अमुक सेकंड तक या थोड़ी सेकंड तक लोड होता है, तो वो लोड नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप जब भी डायरेक्टली क्लिक करें तो डायरेक्टली ऑन हो जाना है, तो वहां पे आपको ऐसा करवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी वेबसाइट लोड होती है तबसे ही आपको उसको प्रीलोड करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे ही वेबसाइट ऑन होती है सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑडियो लोड होना चाहिए, जैसे कि यूजर क्लिक करे तो डायरेक्टली उसको लोड किए बिना ही डायरेक्टली वीडियो प्ले हो जाता है, जैसे कि हमारे यूजर का जो इंटरेक्टिव है वो बढ़ जाता है, और यूजर क्या होता है कि वो हमारी जो वेबसाइट है या हमारे कोई भी कंपनी है उसके तरफ आकर्षित होता है या अट्रैक्टिव उसको एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ती है, तो यहाँ पे आपको कोई प्री लोड करवाना है, तो ये हम उसको डिटेल में देते हैं। स्पेसिफिक वेदर जो वीडियो लोडेड और नॉट वेन द पेज इज लोडेड, मतलब कि आपको जब पेज लोड हो मैंने कहा वैसा ही, तो वैसे डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा प्री लोड। तो ये हो गए हमारे वीडियो एट्रीब्यूट्स, वीडियो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे आपको याद रखना, ये गोल्डन एंट्री की तरह भी आप ले सकते हो, तो उसके अंदर हमने पहला देखा ऑटो प्ले, हमें कुछ ऑटो प्ले करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा वीडियो ऑटो प्ले करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑटो प्ले। उसके बाद हमने देखा म्यूट, म्यूट का मतलब क्या था कि हमें कुछ म्यूट करवाना है, हमारा वीडियो है उसको म्यूट करवाना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, म्यूट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एट्रीब्यूट रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कंट्रोल, यूजर के पास से हमें कुछ कंट्रोल करवाना है या वो यूजर कंप्लीटली वो कंट्रोल कर सके वैसा हमें कुछ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा ये। उसके बाद हमने लूप देखा, लूप का मतलब हमें कोई भी
वीडियो है वो रिपीट एंड रिपीट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उसके बाद देखा हमने प्री लोड हमने पहले से ही वीडियो लोड होते हैं, हम यूट्यूब में देखते थे, यूट्यूब में क्या होता है, हम रियल एग्जाम्पल की तरह देखने जाए तो यूट्यूब में हम देखते ही है कि आप कोई भी वीडियो को क्लिक करते हो तो सबसे पहले 5 से 10 सेकंड वो अपने आप ही लोड होता है, लोड होने के बाद ही वो क्या होता है प्ले होता है। बट आपको वो डायरेक्टली जब क्लिक करे आप या कोई भी यूजर क्लिक करो डायरेक्टली आप वेब पेज के अंदर ऑन हो जाना चाहिए कोई भी लोड किए बिना, तो वैसे आपको करना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री लोड करवाना पड़ेगा। तो प्री लोड करने से क्या होगा कि जैसे ही वो वेबसाइट ऑन करेगा तो अपने आप ही वीडियो लोड हो जाएगा, लोड हो जाएगा तो अपने आप ही जो क्लिक करेगा तो सबसे पहले प्ले हो जाएगा, लोड लेगा नहीं, तो ये हो गया हमारा वीडियो। यहाँ तक हमने देखा तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम आज जो हमने पढ़ा है वो हम रिवाइज करें। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑडियो और वीडियो टेक का इंट्रोडक्शन, मतलब कि ऑडियो और वीडियो टेक हम HTML फाइल के अंदर कैसे दे सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि कोई फ्लैश सपोर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसको एम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे आपको सोर्स देना पड़ेगा और उसके कंट्रोल भी आप दे सकते हैं ऑडियो और वीडियो के, मतलब कि आपको कोई प्ले करवाना है या पुश करवाना है तो उसके लिए आप अपने वेब पेज के अंदर डायरेक्टली उसका कंट्रोल ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक नोट देखी थी वो क्वालिटी लाइन की तरह, मतलब कि HTML5 है ओनली फॉर MP3 वेब और ओजी के ऑडियो जी सपोर्ट करेगा, उसके बिना आपको कोई यूज नहीं करना। उसके बाद हमने इन डिटेल देखा था ऑडियो, मतलब कि ऑडियो कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसको हमने एग्जांपल देखा था, मतलब कि ऑडियो टेक के अंदर हम क्या ले सकते हैं, सोर्स के अंदर आपको दो टाइप की प्रॉपर्टी देनी होगी, SRC होता है, आप मल्टीपल सोर्स देना होगा क्योंकि बीच ब्राउजर के अंदर यूजर अपना जो वेबसाइट है ओपन कर रहा है वो हमें पता नहीं है, तो वो कौन कौन सा ब्राउजर कौन कौन सा जो ऑडियो टाइप है सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखे थे वो एट्रीब्यूट, ऑडियो के एट्रीब्यूट कौन कौन से थे वो सब हमने देखे, क्यों यूज होते हैं, क्या क्या उसका काम होते हैं, तो वो सब हमने देखा था। उसके अंदर देखा था ऑटो प्ले, मतलब कि हमें ऑटो प्ले करवाना है, ऑटो बफर करवाना है, इसलिए ऑटो बफर हमें कंट्रोल लेना है, मतलब कि वो प्ले कर सके, पुश कर सके, रिज्यूम कर सके, वो सब हमें करवाना है। उसके बाद लूप देखा था हमें कोई ना कोई एक ना एक जो ऑडियो है हमें रिपीट करवाना है तो उसके लिए। उसके बाद हमने देखा था प्री लोड, मतलब कि हमें एक ना एक जो वीडियो है या हमारा ऑडियो है उसको सबसे पहले ही प्री करवाना, आगे से हमें क्या करना है लोड करवा लेना है, प्री लोड करवा लेना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे प्री लोड। उसके बाद हमने देखा वीडियो कि वीडियो हम HTML फाइल के अंदर कैसे लगा सकते हैं, तो उसके अंदर हमने वीडियो टैग देखा था, उसका कोडिंग भी देखा कि उसके अंदर आपको वीडियो कंट्रोल टैग के अंदर आपको हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी जो ऑडियो के अंदर जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको वीडियो किस हाइट और साइज के अंदर आपको रखना है, आपके वेब पेज के अंदर किस साइज में आपको उसको देखना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा हाइट और विड्थ। उसके बाद उसके अंदर हमने सोर्स देखा था कि जैसे ही हम ऑडियो में सोर्स देते हैं वैसे ही हमें वीडियो में दे रहे हैं, उसके अंदर पहले SRC प्रॉपर्टी के अंदर आपका सोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद टैग देना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखे थे वीडियो के एट्रीब्यूट कौन कौन से थे, कैसे कैसे थे, कैसे कैसे काम करते हैं वो हमने देखा। उसके अंदर ऑटो प्ले, मतलब कि आपको ऑटो वीडियो प्ले करवाना है। उसके बाद म्यूट फंक्शन है, मतलब कि आपको ऑडियो म्यूट करवाने के लिए जरूरत है। कंट्रोल से आप किस किस तरह से वो अपना वीडियो ऑन कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है, प्ले कर सकता है, ऑटो प्ले कर सकता है, प्ले बैक कर सकता है, वो सब हमने देखा। उसके बाद लूप देखा, मतलब कि एक बार वीडियो खत्म हो जाने बाद अपने आप ही दूसरी बार वो चलने लगे पहले से ही, तो उसके लिए हमने लूप भी देखा। उसके बाद हमने ऑडियो जो वीडियो है और पहले से ही लोड करके रखना है, मतलब कि डायरेक्टली क्लिक करे तो ओपन हो जाना चाहिए, तो वैसे हमें करना है तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए, प्री लोड करना चाहिए। तो ये हमने देखा आज के। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो जब आप लेक्चर खत्म हुए तब आपको ये फुलफिल करना रहेगा। तो थैंक यू।